प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 78,000 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुरी सोनेपुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई उनका ओडिशा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए सुधार किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है उनका ओडिशा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है। हमने इस नीति को भी बदला। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बजट का जिक्र किया और कहा, यह बजट उस नीति को और मजबूत करता है जिस पर चलकर पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। दो दिन पहले ही देश का नया बजट आया है। पिछले 10 वर्षों में जिस नीति पर चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बजट उसी नीति को और मजबूत करता है। इस बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त करने की गारंटी। हमारे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मछली पालक हो, ये बजट सबके विकास की गारंटी देता है। और आप ये भलीभांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 2014 से पहले कांग्रेस के नेता जब ओडिशा आते थे तो वो कालाहांडी जाते थे और आदिवासी बस्ती में जाकर तस्वीरें खिंचाते थे। टीवी अखबारों में तस्वीरें छपती थी और पूरी दुनिया में ओडिशा की गरीबी छाई रहती थी। ओडिशा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया है। साथियों, आज मैं ओडिशा आता हूँ तो यहां के विकास को गति देने के संकल्प के साथ आता। लेकिन आपको याद करना होगा, 2014 से पहले दिल्ली से कांग्रेस के नेता यहां आते थे तो क्या करते थे वे लोग? या कालाहांडी जाते थे, आदिवासी बस्तियों में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे, टीवी और अखबारों में तस्वीरें छपती थी और पूरी दुनिया में ओडिशा की गरीबी छाई रहती थी। जिस ओडिशा में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जहां कोणार्क में सूर्यदेव विराजते हो, जहां हजारों वर्षों की हमारी समृद्ध सभ्यता के निशान है, ऐसे समृद्ध ओडिशा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया। साथियों, 2014 से पहले जहां ओडिशा की पहचान को खराब करने के प्रयास होते थे, वहीं हमारी सरकार आज ओडिशा का गौरव बढ़ा रही है। वहीं इससे पहले पीएम ने ओडिशा दौरे के दौरान संबलपुर में भारतीय प्रबंधन
संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया, साथ ही कई जनसभाओं को संबोधित भी किया और कहा कि ओडिशा को सस्ती बिजली मिले और राज्य का विकास हो, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए।